हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब क्लासेस गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको एमिली डिकिंसन और ए के रामानुजन दोनों पढ़ाने वाला हूँ, दोनों की बायोग्राफी और जो सेलेक्टेड पोएम्स हैं जो आपके एलटी ग्रेड इंग्लिश में लगी हुई हैं वो आज आपको तैयार कराई जाएंगी। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी बायोग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एमिली डिकिंसन की। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन वॉज बॉर्न इन टू ए प्रोमिनेंट बट नॉट अ वेल्दी फैमिली। जो एमिली डिकिंसन थी, इनका जो बर्थ था वो एक प्रोमिनेंट फैमिली में हुआ था, एक फेमस परिवार जिसको हम कहेंगे एक मुख्य परिवार, उसमें इनका बर्थ हुआ था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो परिवार जो था वो रिच परिवार था, रिच फैमिली थी, एक अच्छी फैमिली थी बट रिच नहीं थी। तो उस फैमिली में एमिली डिकिंसन का बर्थ हुआ था। और कब बर्थ हुआ था? ऑन 10th December 1830 इन एमरेस्ट मैसेचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनका बर्थ कब हुआ दोस्तों? 10th दिसंबर 1830 में एमरेस्ट मैसेचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इनका बर्थ हुआ था। और अगर जो हम इनकी बात करें स्टडी को लेकर, तो शी स्टडीड इंग्लिश एंड क्लासिकल लिटरेचर, लेटिन, बॉटनी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, एरिथमेटिक एंड मेंटल फिलोसफी ड्यूरिंग हर 7 years एट एमरेस्ट एकेडमी। जब ये एमरेस्ट एकेडमी में थी तो इन्होंने वहाँ पर क्या स्टडी किया? इंग्लिश, क्लासिकल लिटरेचर, लेटिन, बॉटनी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, एरिथमेटिक, मेंटल फिलोसफी, इन सब की इन्होंने स्टडी की। शी वॉज अ वेल बिहेव्ड चाइल्ड एंड एन एक्सलेंट स्टूडेंट। ये एक बहुत वेल बिहेव्ड चाइल्ड के रूप में रहीं और एक एक्सलेंट स्टूडेंट रहीं। शी देन अटेंडेड माउंट होलियोक फीमेल सेमिनरी फॉर 1 year। फिर उन्होंने माउंट होलियोक फीमेल सेमिनरी को अटेंड किया 1 साल के लिए। एमिली बिगेन राइटिंग एट एन अर्ली एज एंड अमंग दोज हु इन्फ्लुएंस्ड हर टू इंक्लूड लियोनार्ड हम्फ्री, अ यंग प्रिंसिपल ऑफ एमरेस्ट एकेडमी। क्वेश्चन ये बनता है कि किसने इनको इन्फ्लुएंस किया? तो सबसे पहले तो आपका जो आंसर होगा वो होगा लियोनार्ड हम्फ्री। लियोनार्ड हम्फ्री कौन थे? एक यंग प्रिंसिपल थे एमरेस्ट एकेडमी के, तो इनसे ये इन्फ्लुएंस्ड हुई। और इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन, अ फैमिली फ्रेंड हु इंट्रोड्यूस्ड हर टू राइटिंग ऑफ रैल्फ वाल्डो इमर्सन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अपने आप में राइटर हैं, उन्होंने जो इनके फैमिली फ्रेंड थे उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस कराया किससे? राल्फ वाल्डो इमर्सन और विलियम वर्ड्सवर्थ की राइटिंग स्किल से। इन 1855 एमिली वेंट टू फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया वेयर शी बिफ्रेंडेड चार्ल्स वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर इनकी मुलाकात किससे हुई दोस्तों? यहाँ पर इनकी मुलाकात चार्ल्स वर्ड्सवर्थ से हुई, हु रिमेंड अ कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो कि आपस में इनका कॉरेस्पॉन्डेंस चलता रहा, पत्राचार चलता रहा लंबे समय तक। और इसके बाद सुजन गिलबर्ट, एमिली सिस्टर इन लॉ, वॉज हर बेस्ट फ्रेंड एंड मैनी ऑफ एमिलीज पोएम्स आर रिटन फॉर सुजन। दोस्तों, ये भी पूछा जाता है इनमें से कौन सी जो थी एमिली की बेस्ट फ्रेंड रही और जिन्होंने और जिसके लिए इन्होंने अपनी पोएम्स भी डेडिकेटेड की। तो सुजन, उनका नाम है सुजन गिलबर्ट, एमिली सिस्टर इन लॉ। एमिली डिकिंसन वॉज अ वेरी रिजर्व पर्सन, शी रेयरली वेंट आउट ऑफ द हाउस। ये बहुत ज़्यादा रिजर्व रहती थी, ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी। अमंग हर फ्यू एक्वेंटेंसेज वर ऑटिस फिलिप्स लॉर्ड, अ जज इन द मैसेच्युसेट्स जुडिशियल कोर्ट, एंड सैमुअल बाउस, द ओनर ऑफ द स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन। ये इनके कुछ एक्वेंटेंसेस थे रहे। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइफ से रिलेटेड, वो एक तो पेरेंटल आपको तैयार करना होता है, एक मतलब इनकी जो डेट वगैरह है वो तैयार करनी होती है, और जो इनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं या फिर जो एजुकेशन इन्होंने कहाँ की तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। एमिली नेवर मैरिड एंड स्पेंड द लेटर ईयर्स ऑफ हर लाइफ इन सेक्लूजन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या एमिली ने शादी की? तो आपका आंसर होगा नो, एमिली नेवर मैरिड, एमिली ने शादी नहीं की। शी डाइड ऑन 5th of May 1886 एट द एज ऑफ 55। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब एमिली डिकिंसन की डेथ हुई? तो आपका आंसर होगा 1886 में एट द एज ऑफ 55 की एज में इनकी डेथ हो गई।
लिटिल ऑफ एमिली डिकिंसन पोएम्स वर पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। बहुत ना के बराबर इनकी पोएम्स थी जो इनकी जो थी उनके लाइफ टाइम के ड्यूरिंग जिनको पब्लिश किया गया। हर सिस्टर लेविनिया डिस्कवर्ड हर पोएट्री आफ्टर हर डेथ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने इनकी पोएट्री को इनकी डेथ के बाद डिस्कवर किया और पोस्टमसली पब्लिश कराया, तो आपका आंसर होगा लेविनिया। किसने करा? लेविनिया, इनकी सिस्टर। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हर पोएट्री वॉज पब्लिश्ड इन 1890। जो पहला वॉल्यूम था इनकी पोएट्री का वो 1890 में पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 1890 में। द डिकिंसन फैमिली होमस्टीड वॉज टर्न इंटू एमिली डिकिंसन म्यूजियम इन 2003। जो एमिली डिकिंसन की फैमिली था वो, मतलब जो इनका फैमिली हाउस था वो किस में टर्न हो गया दोस्तों? वो एमिली डिकिंसन म्यूजियम के रूप में 2003 में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद आती है पोएम। लेकिन अब मैं एक बार और आपको बता दूं कि इसमें से इंपॉर्टेंट आपको तैयार क्या करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो ये कि एमिली डिकिंसन का बर्थ कहाँ हुआ, तो 10 दिसंबर 1830 में एमरेस्ट में इनका बर्थ हुआ था। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसी स्टूडेंट रही? एक्सलेंट और वेल बिहेव्ड स्टूडेंट रही। इसके बाद दोस्तों ये जो थी एमिली जो थी किन राइटर्स, मतलब किससे ये बहुत ज्यादा मतलब बीफ्रेंडेड हो गई थी और जिनके साथ इनका कॉरस्पॉन्ड चला, तो चार्ल्स वर्ड्सवर्थ के साथ। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो पोएम्स थी वो किसको डेडिकेट की, तो सुजन गिलबर्ट को, जो कि एमिली की सिस्टर इन लॉ थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद किस टाइप की मतलब ये वो थी, मतलब किस टाइप की पर्सन थी, तो आपका आंसर होगा वेरी रिजर्व्ड पर्सन। इसके बाद क्या इन्होंने शादी की? आपका आंसर होगा नो, इन्होंने शादी नहीं की। फिर इनकी डेथ कब हुई? 5 मई 1886 में इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 55। इनकी जो पोएम्स थी वो पोस्टमसली किसने पब्लिश कराई, तो आपका आंसर होगा इनकी सिस्टर लेविनिया ने। किसने कराई? इनकी सिस्टर लेविनिया ने। इनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री वो कब पब्लिश हुई? 1819 में इनकी पब्लिश हुई। और इनके घर को किस में टर्न कर दिया गया था? 2003 में डिकिंसन म्यूजियम के नाम से इन कन्वर्ट कर दिया गया था। अब इसके बाद दोस्तों ये पोएम इनकी आती है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। पोएम का नाम क्या है दोस्तों? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। अब इसमें क्या है पोएम में दोस्तों? बाय दोज हु नेवर सक्सीड, जो सक्सेस है ना उसको स्वीटेस्ट रूप में देखा जाता है, बड़े मधुर रूप में, बड़े प्यार से लिया जाता है उनके द्वारा जो जिनको सफलता नहीं मिली है। तो कहने का मतलब जिनको जिस चीज़ की कमी होती है ना उन्हें उस चीज़ का एहसास होता है कि भाई इसमें क्या है, और जो चीज़ आसानी से मिल जाती है बिना संघर्ष के मिल जाती है तो वो चीज़ जो है वो फीकी पड़ जाती है। दोस्तों ऐसी ही लाइन्स मैंने आपको पढ़ाई थी रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्रोस्पेक्ट्स पोएम में, कि आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट, कि मैं हमेशा से योद्धा रहा, एक युद्ध और लड़ूंगा अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध। तो वही चीज़ है, युद्ध लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और बिना संघर्ष किए कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती और उसमें वो आनंद नहीं होता। तो संघर्ष के बाद जो प्राप्ति होती है उसका आनंद ही अलग होता है। तो यहाँ पर जो पोएटेस हैं वो क्या कहती हैं? सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। सक्सेस को स्वीटेस्ट रूप में लिया जाता है उनके द्वारा जो कभी सक्सीड ही नहीं हुए, मतलब जिनको कभी सफलता नहीं मिली उनको वो सक्सेस को बहुत अच्छे रूप में लेते हैं। टू कॉम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड, एक नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए, मतलब जो लिक्विड होता है जिससे जो वो शहद बनाने की प्रक्रिया होती है बीज की, तो उसको के लिए एक कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है, वो मेहनत करनी पड़ती है, और बिना मेहनत किए उस शहद की, उस नेक्टर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वो बात कहना चाहते हैं कि अगर जो आप संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बाद किसी चीज़ की प्राप्ति होती है तो वो बहुत श्रेष्ठ होती है, लेकिन जिनको वो चीज़ सक्सेस नहीं मिलती, वो सफलता नहीं मिलती, वो लोग उसकी ज़्यादा, ये कह लीजिए कि उसको वो ज़्यादा समझ पाते हैं या फिर उसको ज़्यादा स्वीटेस्ट रूप में ले पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वास्तव में उसके लिए क्या करना पड़ता है, किस तरह से गुजरना पड़ता है। नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे
कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। दोस्तों बिल्कुल अपोजिट चीज यहाँ पर जो पोएटेस है ये कह रही है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि जो विजय का स्वाद है वो जो चखते हैं उनको पता होता है, लेकिन एमिली डिकिंसन का जो नज़रिया है वही अलग है। वो ये क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं जो पर्पल होस्ट है, पर्पल होस्ट यहाँ पर विक्ट्रियस आर्मी को कहा गया है, कि जो विजयी लोग हैं, जिन्होंने विजय प्राप्त की है, जिनके हाथों में झंडा है, विजय पताका है, कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री, ठीक है, वो उस डेफिनेशन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। नोट दे रखा है स्टार्टिंग में, गौर करना, नोट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियर ऑफ विक्ट्री। तो कोई भी एक व्यक्ति उनमें से जो श्रेष्ठ जो जीते हैं वो नहीं बता सकते उस विजय के बारे में कि वास्तव में उस जीत का क्या मतलब है, जीत का मायने क्या होता है, वो नहीं बता सकते। एज ही डिफीटेड डाइंग वन हूज फॉरबिडन ईयर द रिस्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिम्प बस्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर, जैसा कि वो व्यक्ति बता सकता है जो जो अपोजिट आर्मी का सोल्जर है, जो हारा हुआ है और जो मरने के कगार पर है, मृत्यु के कगार पर खड़ा हुआ है और बिल्कुल मरने वाला है, मरा नहीं है, और उसके जो कान है वो उस दूर से आ रही जो आवाज है, जो विजय की जो आवाज है उनको सुन रहे हैं, तो वही जान सकता है कि इस विजय का मतलब क्या होता है, इस जीत का मतलब क्या होता है। क्योंकि जीत जो पीछे जो दूसरे लोग हैं ना वो जीते हैं, वो जश्न मना रहे हैं, और आज जो हारा हुआ व्यक्ति है वो लेटा हुआ है, कराह रहा है और उनकी आवाज़ों को सुन रहा है, तो वो व्यक्ति बता सकता है कि जीत के मायने वास्तव में क्या होते हैं। वो उसके उसकी जो डेफिनेशन होगी जीत को लेकर वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो दोस्तों ये पोएम थी इनकी, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय एमिली डिकिंसन। उम्मीद है कि एमिली डिकिंसन की बायोग्राफी और जो पोएम है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करें। देखो दोस्तों, वैसे मैंने बायोग्राफी पढ़ा दी है, लेकिन मैंने आपको बताया बायोग्राफी आपको अपने आप तैयार करनी होती है, लेकिन फिर भी जैसे मैं एक बार आपके सामने बोल देता हूँ, बता देता हूँ, तो जब आप एक बार अपने आप पढ़ेंगे ना, ये दो तीन बार अपने आप पढ़ेंगे तो दिमाग में चीज़ें बिल्कुल फिट हो जाएंगी और आपको फिर ज़्यादा उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रामानुजन की बायोग्राफी की तरफ। एके रामानुजन वॉज बॉर्न इन मैसूर सिटी ऑन 16 मार्च 1929। एके रामानुजन का बर्थ मैसूर में हुआ था 16 मार्च 1929 में। हिज फादर अटिपट असुरी कृष्णा स्वामी। इनके फादर का नाम क्या था दोस्तों? अटिपट असुरी कृष्णा स्वामी, याद रखना, इनके फादर का नाम था अटिपट असुरी कृष्णा स्वामी। वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक प्रोफेसर रहे वो मैथमेटिक्स के एट मैसूर यूनिवर्सिटी। और कहाँ पर रहे? मैसूर यूनिवर्सिटी में। वाज नोन फॉर हिज इंटरेस्ट इन इंग्लिश, कनाडा एंड संस्कृत लैंग्वेजेस। और इनका इंटरेस्ट किस में रहा? जो इंग्लिश लैंग्वेज में, कन्नड़ में और संस्कृत लैंग्वेज में। हिज मदर वॉज ए होम मेकर। और जो इनकी मदर थी वो क्या थी? इनकी मदर होममेकर थी। मदर क्या थी? मदर होममेकर थी। और इसके बाद रामानुजन आल्सो हैड अ ब्रदर। रामानुजन का एक भाई भी था जिसका नाम था एके श्रीनिवासन, हु वॉज ए राइटर एंड अ मैथमेटिशियन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एके रामानुजन के जो भाई थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था एके श्रीनिवासन, और जो क्या थे वो? बाय प्रोफेशन राइटर और मैथमेटिशियन थे। अब इनकी एजुकेशन की बात हम करते हैं। रामानुजन वॉज एजुकेटेड एट मरीमल्लपा हाई स्कूल। इनकी जो एजुकेशन हुई दोस्तों वो कहाँ पर हुई? मरीमल्लपा हाई स्कूल मैसूर में इनकी एजुकेशन हुई, एंड एट द महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर। तो ये दो कॉलेज थे, पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये पता होना चाहिए आपको कि रामानुजन जो इनकी एजुकेशन हुई वो कहाँ हुई? मरीमल्लपा हाई स्कूल में हुई मैसूर में, और महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर में इनकी एजुकेशन हुई। इन कॉलेज रामानुजन मेजर्ड इन साइंस इन हिज फ्रेशमैन ईयर्स, बट हिज फादर हु थॉट हिम नॉट मैथमेटिकली माइंडेड परसुएडेड हिम टू चेंज हिज मेजर फ्रॉम साइंस टू इंग्लिश। ये इन्होंने जो था दोस्तों, ये साइंस के स्टूडेंट थे, बट इनके फादर को ये लगा
कि ये मैथमेटिक्स में इतने माइंडेड नहीं हैं, तो इन्होंने क्या किया, साइंस से इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कराया। लेटर रामानुजन बिकेम अ फेलो ऑफ डेकन कॉलेज। फिर ये डेकन कॉलेज में इन्होंने स्टडी की पुणे में 58-59 एंड अ फुल ब्राइट स्कॉलर एट इंडियाना यूनिवर्सिटी, और इंडियाना यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर के रूप में रहे 1592 से 62 के बीच में। ही वॉज एजुकेटेड इन इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर एंड रिसीव्ड हिज PhD इन लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बिठा लेना। इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से स्टडी की और फिर इन्होंने PhD की। PhD किस फील्ड में इन्होंने PhD की, तो आपका आंसर होगा लिंग्विस्टिक्स, यानी कि भाषा विज्ञान में। लिंग्विस्टिक्स में इन्होंने PhD की और कहाँ से की, इंडियाना यूनिवर्सिटी से। इंडियाना यूनिवर्सिटी से इन्होंने लिंग्विस्टिक्स में PhD की। इसके बाद दोस्तों इनके करियर की हम बात करें तो रामानुजन वर्क एज ए लेक्चरर ऑफ इंग्लिश एट क्यूलेन एंड बेलगम। ही लेटर टॉट एट द महाराजा सयेजीराव यूनिवर्सिटी इन बड़ौदा फॉर अबाउट 8 ईयर्स। तो इन्होंने दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर, क्यूलेन और बेलगम में ये लेक्चरर हैं इंग्लिश के, और इसके अलावा इन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में भी इन्होंने पढ़ाया 8 ईयर्स के लिए। इसके बाद दोस्तों इन 1962 ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और शिकागो यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहे। 1962 में इन्होंने ज्वाइन किया था शिकागो यूनिवर्सिटी को। ही वॉज अवार्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1999। इनको 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला फॉर हिज कलेक्टेड पोएम्स। किस चीज़ के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला दोस्तों, इनकी कलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। कब दिया गया, 1999 में। एके रामानुजन डाइड इन शिकागो ऑन 13 जुलाई 1993। 13 जुलाई 1993 में इनकी शिकागो में डेथ हो गई एज द रिजल्ट ऑफ एडवर्स रिएक्शन ऑफ एनेस्थीसिया ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर सर्जरी। तो एनेस्थीसिया का रिएक्शन होने की वजह से जब प्रिपरेशन की जा रही थी सर्जरी की, तो उस समय इनकी डेथ हो गई थी शिकागो में ही 13 जुलाई 1993 को। अब इनके पब्लिकेशंस की हम बात कर लेते हैं, इनके वर्क्स की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो वर्क्स हैं, द स्ट्राइडर्स है, रिलेशन है, और फिर इसके बाद सेकेंड साइट है, द कलेक्टेड पोएम्स के नाम से है, फिर संस्कारा है, ये इनके कन्नड़ में है कुछ, और इसमें जो पूछा जाता है एग्जाम में, एक मट्टू इतारा, और इसके अलावा कुंटोबिल, ये दोस्तों कन्नड़ में है। और इसके बाद इनकी पोएम हम बात करेंगे ऑबिट्यूरी की, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी बायोग्राफी से लेकर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, वो कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करने हैं। सबसे पहले तो ये, एके रामानुजन का बर्थ कब हुआ, तो इनका बर्थ 16 मार्च 1929 में मैसूर में हुआ। इनके फादर का नाम पूछ लिया जाता है, इनके फादर का नाम क्या था, अट्टिपट्टी असुरी कृष्णा स्वामी था इनके फादर का नाम, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर और प्रोफेसर थे। किस चीज़ के, मैथमेटिक्स के, मैसूर यूनिवर्सिटी में। इनकी मदर जो थी वो होम मेकर थी। इनके भाई के बारे में पूछ लिया जाता है, तो एके श्रीनिवासन इनके भाई थे जो राइटर और मैथमेटिशियन थे। और इनकी स्टडी कहाँ से हुई ये भी पूछ लिया जाता है, मरिमल्लपा हाई स्कूल से हुई, मैसूर में हुई, और महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर में इनकी स्टडी हुई थी। इसके बाद दोस्तों ये फेलो स्कॉलर है डेकन कॉलेज में, और इसके अलावा फिर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन्होंने PhD किस फील्ड में की, तो लिंग्विस्टिक्स में की, और कहाँ से की, इंडियाना यूनिवर्सिटी से की। किस विदेशी यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो आपका आंसर होगा जो, मतलब शिकागो यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया। और इनकी डेथ कब हो गई, 13 जुलाई 1993 में इनकी डेथ हो गई थी एज एन एडवर्स रिएक्शन टू एनेस्थीजिया ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर सर्जरी। उम्मीद है कि इसकी, इनकी जो बायोग्राफी थी वो आपको आसान से शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अब हम चलते हैं इनकी पोएम्स की तरफ, कि इनकी जो पोएम है आपके कोर्स में, ऑबिट्यूरी। ऑबिट्यूरी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। ऑबिट्यूरी का मतलब होता है दोस्तों अ पीस ऑफ राइटिंग जनरली फाउंड आफ्टर द डेथ ऑफ समवन, कि किसी की मृत्यु के बाद उसकी पीस ऑफ राइटिंग मिली, तो वो ऑबिट्यूरी है। कोई लेख, छोटा सा लेख उसने छोड़ा है लिखा हुआ, या फिर कहीं न्यूज़पेपर में मिला, किसी आर्टिकल में मिला, किसी रिपोर्ट में मिला, तो वो एक ऑबिट्यूरी के रूप में जाना जाता है।
और यहाँ पर जो पोइट हैं ए के रामानुजन, वो अपने फादर के बारे में बता रहे हैं। और अपने फादर के बारे में क्या कहते हैं वो देखिए। फादर व्हेन ही पास्ड ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स, लेफ्ट डेब्ट्स एंड डॉटर्स एंड बिटवीटिंग ए ग्रैंड सन नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम। सबसे पहले इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, और जो स्टार्टिंग की जो ये लाइन्स है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन सा नज़र आ रहा है वो फादर को लेकर, अपने फादर को लेकर। वो उनकी मृत्यु को लेकर इतने सोरोफुल हमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये उनकी जो फैमिली की ड्यूटीज़ हैं उनको लेकर जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो फादर ने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर छोड़ी हैं, अब वो पॉइंट को परफॉर्म करनी है। अपने फादर का जो डेब्ट है वो पोएट को चुकाना है। और इसके साथ साथ सबका देखभाल करनी है। देखिए किस तरह से क्या कहते हैं वो, फादर व्हेन ही पास्ड ऑन अस, जब फादर की मृत्यु हुई, जब फादर छोड़कर चले गए, तो वो क्या छोड़कर गए, लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स। तो एक टेबल थी जिस पर वो स्टडी किया करते थे और उस पर पेपर्स थे, तो वो डस्ट और पेपर्स के साथ वो टेबल छोड़ गए। लेफ्ट डेब्ट्स एंड डॉटर्स, वो एक वो कर्ज छोड़ गए। और वो कर्ज कैसा कर्ज, वो कुछ वैसा भी फाइनेंशियल कर्ज भी हो सकता है। इसके साथ साथ वो कहते हैं डॉटर्स कि लड़कियों का जो पालन पोषण था, यानी कि वो अपनी सिस्टर्स की बात कर रहे हैं कि रामानुजन, कि वो अपनी बेटियों को छोड़ गए। और बेटियों की जिम्मेदारी किस पर छोड़ गए, अपने बेटे पर छोड़ गए, यानी कि एक रामानुजन पर छोड़ गए। और इसके साथ साथ एक ग्रैंडसन छोड़ गए जिसकी उनको देखभाल करनी है। और वो ग्रैंडसन जिसका जो नेम था नेम्ड बाय द टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम, जिसके जिसका नाम भी किसके, मतलब एक कॉइन को टॉस करके जिसका नाम रखा गया था, उस बच्चे को भी यानी कि अपने ग्रैंडसन को भी वो छोड़ गए। अ हाउस दैट लीन स्लोली थ्रू आर ग्रोइंग ईयर्स ऑन अ बेंट कोकोनट ट्री इन द यार्ड, एक घर जो जिसमें एक कोकोनट का पेड़ था जो झुका हुआ सा था, जो कि घर के आंगन में था, उस झुके हुए पेड़ की तरह वो घर भी आज झुका हुआ ही लग रहा था। बींग द बर्निंग टाइप, ही बर्न प्रॉपरली, जो इनके फादर रहे वो बर्निंग टाइप रहे, मतलब जिंदगी भर जलते रहे, कष्टों को सहते रहे, बहुत सारे काम करे, यातनाएं सहते रहे। और देखो यहां पर कितना एक कटाक्ष यहां पर पोएट करते हैं, क्या कहते हैं, ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रीमेशन। और जब उनका क्रीमेशन हुआ यानी कि उनका जब अंतिम संस्कार हुआ, तो वो पूरी तरह से जल गए, पूरी तरह से जल गए, जिंदगी भर जलते रहे और लास्ट में जलकर खाक हो गए। एज बिफोर इजली एंड एट बोथ एंड्स लेफ्ट हिज आई कॉइंस इन द एशेस दैट डिडेंट लुक वन बिट डिफरेंट, सेवरल स्पाइनल डिस्क रफ, सम बर्न टू कॉइल फॉर सन्स टू पिक जिंजरली एंड थ्रो एज प्रिस्ट सेट फेसिंग ईस्ट वेयर थ्री रिवर्स मेट नियर द रेलवे स्टेशन, नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन विथ हिज फुल नेम एंड टू डेट्स। दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये जो क्रीमेशन सेरेमनी है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब उनका दाह संस्कार हुआ तो क्या हुआ, किस तरह से हुआ। वो कहते हैं कि वो पूरी तरह से जलकर राख हो गए। और फिर उसके बाद में जब उन मतलब जब अग्नि लगी हुई थी और उस समय जब बॉडी जल रही थी, तो उनकी उनके रिचुअल के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो मैसूर की तरफ जो एक रिचुअल होता है कि जब मरने वाले की आँख पर तो सिक्के रखे जाते हैं, आँख के ऊपर कॉइंस रखे जाते हैं, तो वो कहते हैं कि पूरी बॉडी जल गई, पूरी बॉडी जल के राख हो गई, सब कुछ राख हो रहा था, लेकिन वो जो सिक्के थे वो ऐसे के ऐसे ही थे, वो उसी प्रकार से अभी भी दिखाई पड़ रहे थे। और इसके बाद जो जैसे कि प्रिस्ट ने कहा कि जो ऐश है उसको कलेक्ट करना है, मतलब उनकी अस्थियों को उनके विसर्जन के लिए मतलब कलेक्ट करना है, फेसिंग ईस्ट वेयर थ्री रिवर्स मेट, और उसको वहां पर बहा देना जहां पर तीन नदियां आपस में मिलती हैं, नियर द रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन के पास में, नो लॉन्ग स्टैंडिंग हेड स्टोन विद हिज फुल नेम एंड टू डेट्स टू होल्डिंग देयर पैरेंथिसिस, एवरीथिंग ही डिड क्वाइट मैनेज टू हिमसेल्फ। और
फिर वो कहते हैं बिल्कुल उस अकॉर्डिंगली, जैसे कि एक सिस्टम होता है, और सिस्टम किस चीज़ का, एक रिचुअल होता है, तो उस रिचुअल के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को मतलब फॉलो करना था, सारी ही चीज़ें माननी थी, कि सब कुछ अब बस मिल गया नदी में, मतलब सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं रहा, बस केवल उन बचा तो क्या, उनका नाम बचा और कुछ नहीं बचा। अब इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि केवल दो चीज़ें, एक तो टू डेट्स बची हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना, नेम एंड टू डेट्स का मतलब क्या है। एक तो उनका नाम बचा और दो डेट्स बची। अब ये दो डेट्स कौन सी हैं, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपका आंसर होगा बर्थ एंड डेथ। उनकी जन्म की डेट रह गई और मृत्यु की डेट उनके साथ रह गई, कि उनका जन्म तब हुआ और मृत्यु तब हुई। तो ये सब कुछ बचा और कुछ नहीं बचा, सब कुछ बाकी सब मिल गया। इसके साथ साथ उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं, उनका जो बर्थ हुआ सिजेरियन बर्थ हुआ, और इनटू दी ब्राह्मिन गेटो, मतलब कहने का मतलब जो एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण तरीके से पद्धति से, और उनकी जो मृत्यु हुई, एंड इज डेथ बाय हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट। उनकी मृत्यु कैसे हुई, एक फ्रूट मार्केट में उनका जो हार्ट था वो फेल हो गया, ठीक है ना, हार्ट फेलियर हो गया था। बट समवन टोल्ड मी, लेकिन किसी ने मुझे बताया था, ही गॉट टू लाइन्स इन एन इनसाइड कॉलम ऑफ ए मद्रास न्यूज़पेपर, कि उनकी जो दो पंक्तियां थी वो छपी थी कहाँ उनके बारे में, मद्रास न्यूज़पेपर में, सोल्ड बाय किलो एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर टू स्ट्रीट हॉकर्स। और वही न्यूज़पेपर जो एग्जैक्टली 2 वीक्स लेटर जो बेचे जा रहे थे हॉकर्स के द्वारा किलो में, हु सेल इट इन टर्न टू स्मॉल ग्रोसरीज वेयर आई बाय सॉल्ट कॉरियंडर्स एंड जैगरीज। और वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर जो स्मॉल ग्रोसरीज में उस न्यूज़पेपर को रखा जा रहा था, जहाँ पर वो सॉल्ट खरीदते हैं, कॉरियंडर्स खरीदते हैं, जैगरीज खरीदते हैं, इन न्यूज़पेपर कॉन्स दैट आई यूजली रीड फॉर फन। और वो न्यूज़पेपर जिसको मैं एक फ़न के रूप में पढ़ लेता था, एंड लेटली इन दी होप ऑफ फाइंडिंग दीज ऑबिटरी लाइन्स, और बाद में मैं उसको न्यूज़पेपर को उस कारण पढ़ रहा था कि शायद मुझे वो ऑबिट्यूरी लाइंस जो हैं, ये ऑबिट्यूरी लाइंस यानी कि मृत्यु के बाद में जो लिखा मिला हुआ जो लेख है उनका, वो मुझे मिल जाए, उनका जो लेख उन्होंने अपने जीवन में लिखा, लेकिन उसकी प्राप्ति मुझे कब हो जाए, उनकी मृत्यु के बाद में हो जाए, तो उनके लिए मैं उसको पढ़ रहा था। एंड ही लेफ्ट अस अ चेंज्ड मदर, और वो मेरे पिताजी, वो अपने फादर के लिए कहते हैं, वो छोड़ गए हमारे पास क्या, अ चेंज्ड मदर, एक बदली हुई माँ। बदली हुई माँ मतलब जो पहले एक अलग, देखो जो जब वो मैरिड थी तो उनका लाइफ स्टाइल अलग था, लेकिन अब वो जब विडो हो चुकी हैं तो उनका जो पैटर्न ऑफ लिविंग है, उनका जो लाइफ स्टाइल है, दैट इज क्वाइट चेंज्ड, वो पूरी तरह से बदल चुका है, और वो एक चेंज्ड मदर है। तो वो कहते हैं कि वो एक चेंज्ड मदर छोड़ गए, एंड मोर देन वन एनुअल रिचुअल, और इसके साथ साथ एक एनुअल रिचुअल जो थी वो अपने साथ छोड़ गए। कहने का मतलब जो रीति रिवाज हैं वो छोड़ गए। और दूसरी बात, अब लास्ट में हर साल क्या याद रह जाता है, वही याद रह जाता है कि भाई इस डेट को उनकी मृत्यु हुई थी, तो जिसको एक पुण्यतिथि बोल देते हैं, वो यहाँ पर उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों ये थी दो पोएम्स जो आज आपको मैंने पढ़ाई, द सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट एंड ऑबिट्यूरी। तो दोनों ही पोएम्स आपको समझ में आई होंगी, एक एमिली डिकिंसन की और दूसरी ए के रामानुजन की, जिनकी बायोग्राफी और पोएम्स को मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से पढ़ाने की कोशिश की है, और जितना पढ़ाया है उससे बाहर कुछ और तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो इन्हीं से पूछे जाएंगे, इससे अलग के क्वेश्चंस इन राइटर से नहीं आएंगे। तो दोस्तों उतना पढ़िए जितना पढ़ाया जा रहा है, और दिल से पढ़िए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे कल। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।